2022 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय सेना को दुनिया भर में चौथा सबसे शक्तिशाली स्थान दिया। रैंक सैन्य शक्ति, वित्तीय, तार्किक क्षमता और भूगोल जैसे मापदंडों के आधार पर निर्धारित की गई थी। भारतीय सेना में 1.45 मिलियन से अधिक सक्रिय सैनिक और लगभग 0.9 मिलियन रिजर्व सैनिक शामिल हैं। आज की वीडियो में हम भारतीय सेना के बारे में ऐसे बातों पर गौर करेंगे जो कि ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता है। फैक्ट्स नंबर 1, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन फील्ड मार्शल कोडंडेरा मड़प्पा करियप्पा को 1949 में भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ नामित किया गया था। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर से पद संभाला था। फैक्ट्स नंबर 2, दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक उन 1.3 मिलियन भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़े थे और लगभग 74,000 सैनिक शहीद हुए थे। फैक्ट्स नंबर 3, 2013 में उत्तर भारत में बाढ़ के दौरान भारतीय सेना ने सड़क और सेना के हेलीकॉप्टर से 10,500 से अधिक लोगों को बचाया और भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 19,600 से अधिक लोगों को हवाई मार्ग से निकाला। ऑपरेशन राहत नामक यह सबसे बड़ा नागरिक बचाव और राहत अभियान था। फैक्ट्स नंबर 4, भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करती है। ग्लेशियर दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा भी है। इसकी ऊंचाई 18,875 फीट 5,753 मीटर है। भारत ने 2004 में तैनात कर्मियों का समर्थन करने के लिए प्रति माह लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। फैक्ट्स नंबर 5, 61वीं कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की घुड़सवार इकाई है। यह दुनिया में सबसे बड़े घुड़सवार इकाई में से एक होने के लिए उल्लेखनीय है और दुनिया में आखिरी संचालन रहित घुड़सवार इकाइयों में से एक है। फैक्ट्स नंबर 6, 1835 में गठित असम रेजिमेंट भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। फैक्ट्स नंबर 7, 16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था जो अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। फैक्ट्स नंबर 8, भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ 2 युद्ध जीते जिन्हें आप शायद नहीं जानते, सितंबर 1967 में नाथुला संघर्ष और अक्टूबर 1967 में चोला संघर्ष। फैक्ट्स नंबर 9, भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, फिर भी भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण या हमला नहीं किया। फैक्ट्स नंबर 10, परमवीर चक्र सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार आज तक केवल 21 बार प्रदान किया गया है और इनमें से 2/3 मरणोपरांत प्रदान किए गए थे।